पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में आज छठे दिन बाद भी जगदीश कुमार ने धरना जारी रखा है। आपको बता दें कि गांव में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर देवलथल, बुंगाछीना आदि गांव के ग्रामीण पिछले 6 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तब से लेकर आज भी ग्रामीणों का धरना जारी है। उनका कहना है कि इलाके में हरियाणा व चंडीगढ़ ब्रांड की शराब बेची जा रही है। जहरीली शराब से अभी तक गांव में कई लोगों की जान चली गई है। साथ ही उनका कहना है कि आबकारी विभाग व पुलिस विभाग के लिए मिली भगत से ये कारोबार फल फूल रहा है। वहीं जगदीश कुमार का कहना है कि आबकारी विभाग व पुलिस प्रशासन शराब माफियों को अभी तक पकड़ने में नाकाम रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक अवैध शराब की बिक्री बंद नहीं हो जाती है तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। देखिए, मेरे जिला पंचायत क्षेत्र देवलथल, बुंगाछीना, अलगड़ा, रशेपाटा, मुआनी में अवैध शराब की बिक्री जो है धड़ल्ले से हो रही है। गाँव जो है अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है और जो है आज का युवा जो है शराब से बर्बाद हो रहा है। और जो है हमारी जो मुहिम है जो है गांव बचाओ, गरीब बचाओ और माफियाओं को बचाओ, जो है इस अभियान के तहत जो है मैं आज यहां पे धरने में बैठा हूं। धरने के आज जो मेरे को 6 दिन हो गए हैं। लगातार जो है यहां पे मुझे लोगों का जो है भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रशासन के नाम पर जो है अभी तक तो सिर्फ आबकारी विभाग के लोग यहां पे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप भाई साहब धरने को तोड़ दो। तो हम तो उनसे वही सवाल कर रहे हैं कि जब हमने उनसे कहा, जब हम जो है PTC की बैठक में उठाया, जिला पंचायत के सदन में उठाया और उसके बाद जो है आज यहाँ पे धरने में बैठे, तो अब कह रहे हैं कि जो है आप उठो। अरे भैया, आप तक कहाँ थे। हेलो उत्तराखंड न्यूज़ के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।